इसके अलावा दोस्तों देखो, ऊँट वहाँ से है तो उनको घुमाने के विचार में ही नहीं है, लेकिन जो उनके मालिक हैं ऊँट को ले जबरदस्ती खींच के जो स्थानीय लोग हैं उनको ऊँट की सवारी करा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज मैं हूँ डीडी हाट में और आज से शुरुआत है डीडी हाट महोत्सव। मेरे साथ हैं हमारे पांडे जी, जिनके साथ मैं आज जाऊँगा और कवर करूँगा आपको जो डीडी हाट महोत्सव जो मेला है वहाँ की कुछ कैसी दुकानें लगी है सब कुछ आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस वीडियो को तो मेक श्योर पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिलहाल अभी मैं हूँ पांडे जी की बाइक में, हमारी स्विफ्ट खड़ी है वो सामने आप देख सकते हो। इसको अभी थोड़ी देर यहीं खड़े रहने देते हैं क्योंकि गिरियार की गलियाँ हैं थोड़ी सकरी और वन वे में गाड़ी ले जाना वहाँ फ़ायदेमंद भी नहीं है क्योंकि गाड़ी पार्क भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम बाइक में जा रहे हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें डिटेल से दिखा सकें। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों अभी हमारी लोकेशन है डिडियाट में और जो डिडियाट में डिडियाट महोत्सव हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका गेट है यहाँ पे, जहाँ अभी हम आपको ले जाएंगे दिखाएंगे कि वहाँ की कैसी कैसी दुकानें लगी है, क्या क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। ये है डिडियाट का महोत्सव का जो गेट है, वैसे ही स्कूल का गेट है लेकिन महोत्सव इसी फील्ड में होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे डीडी हाट के बारे में। डीडी हाट जो तहसील है दोस्तों वो पड़ती है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले में और प्रत्येक वर्ष से यहाँ एक डीडी हाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी कि डीडी हाट के मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस वर्ष मुख्यमंत्री साहब द्वारा इस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है और यहाँ दोस्तों काफ़ी सारे लोग बाहर से आए हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें यहाँ लगाई है। कोई ऊँट लेके आया है, कोई झूला लेके आया है और दुकानें भी अलग अलग तरह की दुकानें। दोस्तों अगर आपको कपड़ा खरीदने हैं यहाँ देख सकते हैं आप, एग्रो प्रोडक्ट यहाँ आपको मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बिस्तर ये सारी चीज़ें चाहिए या फिर अगर आपको चाहिए गर्म कपड़े, जैकेट या फिर दोस्तों आपको कुछ महिलाओं बच्चों की सामग्री ये चीज़ें भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ दोस्तों कपड़ों के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी उचित माध्यम से की जाती है। यहाँ दोस्तों काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से किया जाता है और यहाँ पे आपको मोमो, जलेबी और फास्ट फूड के अलावा अगर आपको दाल भात करनी है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संस्कृति हैं, जैसे कि दोस्तों उच्च हिमालय क्षेत्र हैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ राज्य में, जोहार जो पड़ता है यानी कि मुनिशारी का जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों वहाँ उच्च हिमालय क्षेत्र में वहाँ की कुछ परंपराएँ काफ़ी अलग हैं और काफ़ी विभागों के दोस्तों यहाँ पर स्टॉल भी लगे हुए हैं, जैसे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों जो जोहार यानी कि मुनिशारी का जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों की संस्कृति थोड़ी अलग है, उनका पहनावा अलग है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पकवान बनाए गए हैं, उनके जो संस्कृति है उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लकी ड्रॉ खेलने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब इस मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ लकी ड्रॉ भी खेला जाता है दोस्तों, और अगर आप विनर बनते हो तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइज़ मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं झूले की बात कर रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के झूले लगे हुए हैं जिसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ये उछलने कूदने वाला एक झूला है। इसके जस्ट बगल में अगर मैं बात करूँ तो मिकी माउस वाला भी एक झूला लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें काफ़ी बच्चे अपना मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो बड़ा वाला जो चरखी वाला झूला होता है दोस्तों वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, नाव लगी हुई है, छोटे बच्चों का एक गोल घूमने वाला झूला भी लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात से सतर्क करना चाहता हूँ, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े वाले झूले में घबरा जाओगे तो कृपया करके आप इस झूले में ना बैठें, क्योंकि अगर आप इस झूले में बैठते जाओगे लेकिन वहाँ ऊपर जाके जब ये झूला नीचे को आता है तो उस समय बाप रे गुर्दे बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस झूले में बैठने का प्रयत्न ना करें अगर आपको थोड़ा उल्टी उल्टी आती है या अगर ऊंचाई से डर लगती है तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था बाहर से काफ़ी सारे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं एक ऊँट भी लेके आए हैं एक वहाँ से, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो ऊँट में बैठने के भी अपने ज़िंदगी का एक अनुभव को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखो, ऊँट वहाँ से है तो उनको घुमाने के
विचार में ही नहीं है, लेकिन जो उनके मालिक हैं उनको ले जबरदस्ती खींच के जो स्थानीय लोग हैं उनको ऊँट की सवारी करा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर ऊँट के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो आपको बिस्तर में काफ़ी गर्म बिस्तर मिल जाता है, यानी कि चादर, रजाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज ये पहला दिन है डिडिहाट महोत्सव का, जिस कारण यहाँ पे जो टेंट आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई दुकानें अभी नहीं लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों ये पहला दिन है और रात के समय यहाँ काफ़ी अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज पहला दिन है तो कल से ये जो टेंट खाली है यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ दुकानें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको साइकिल ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। पिछले वर्ष दोस्तों जब मैं यहाँ आया था तो उस समय ये ऊँट यहाँ नहीं था, तो हर वर्ष दोस्तों कुछ ना कुछ अलग यहाँ किया जाता है। कोई कह नहीं सकता कि इस वर्ष क्या आएगा, अगले वर्ष क्या आएगा, तो जब भी आप यहाँ आते हो दोस्तों तो आपको यहाँ का इस महोत्सव का अलग ही अनुभव मिलेगा, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। आप देख सकते हो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी साइकिल यहाँ पर मिल जाती है। सामने की अगर बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हो सामने पे एक मंच है, काफ़ी टेंट लगाया है काफ़ी अच्छा, और काफ़ी सारी कुर्सियाँ भी लगाई हुई है। अभी दोस्तों कुर्सियाँ काफ़ी सारी खाली हैं, क्योंकि दिन के समय पे काफ़ी लोग, स्थानीय जो लोग हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे पशुपालन, मेहनत मजदूरी करने बाहर जाते हैं, खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जिस कारण दोस्तों दिन में तो नहीं आते हैं लेकिन शाम के समय वो यहाँ आते हैं और कार्यक्रम देखते हैं। बाकी आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों इन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है इनके लिए यार एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें। देखिए वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो यार लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है, तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, तो सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें। आपको हमारे चैनल पे ऐसी अच्छी अच्छी दोस्तों वीडियोस, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। बाकी आप थोड़ा फिलहाल इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का मनोरंजन करिए, मैं आपसे आगे इसी वीडियो में मिलता हूँ। जोहार संस्कृति जो हमारे उत्तराखंड मुंशारी साइड को है, मुंशारी धारकला साइड को, ये एक स्पेशल डिश है जिसके बारे में आपको भीड़ काफी होती है। आप देख सकते हैं जो बनाए
इसका नाम है कुकला, जो ये हमारे जोहार उत्तराखंड में जो मुंशियारी क्षेत्र का एरिया है वहाँ बनाया जाता है। ये है वेज, आपको दिखने से लग रहा होगा ये थोड़ा नॉन वेज टाइप का है, लेकिन ये है वेज, अरबी से बनता है। और एक बार मैं और टेस्ट करता हूँ, ये सही लग रहा है, सूखा सूखा आराम से खाओ, चीज के मारो। ये जूते कैसे दिए? जूते भाई अलग अलग। ये लगभग सेम ही है सब। हाँ सेम है, थोड़े से महंगे लोटो वोटो वाले ही हैं। महोत्सव है उसमें अभी ये पहला दिन है, आज इतने ज़्यादा रौनक तो नहीं है क्योंकि आने वाले समय मतलब एक दो दिन बाद कुछ और ज़्यादा दुकान भी यहाँ लगती है। अगर मेरे को समय होगा तो उस बीच में यहाँ आऊँगा दोबारा से, रौनक तो यहाँ कम है अभी, उस समय ज़्यादा होगी तो नई वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर करने जा रहा हूँ समाप्त। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी जिस वजह से हमने बाइक यहीं खड़ी की थी और पैदल उसके बाद गए थे हम जो GIC स्कूल का गेट है वहाँ पे, जो फील्ड है, फील्ड में ये महोत्सव का उद्घाटन होता है हर समय। पिछले बार भी यहीं हुआ था और इस बार भी यहीं हुआ है और आज पहला दिन है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं लगी है, काफ़ी स्पेस खाली है। और अगर मुझे समय हुआ तो मैं कुछ दिनों बाद, दो तीन दिन में कुछ दुकानें और एक्स्ट्रा लग जाएंगी क्योंकि पहले दिन में थोड़ा सा कम लगता ही है और आने वाले उसके अगले दिन थोड़ा ज़्यादा दुकानें और हो जाती है, पहले दिन में थोड़ा अक्सर भीड़ कम ही रहती है। और उसके बाद दोस्तों हम आए वहाँ पे, वीडियो एडिट रिकॉर्ड करी यहाँ पे आए और अब बारी आती है इस वीडियो को समाप्त करने की ओर। लेकिन उससे पहले जो हमारे कैमरामैन थे, हमारे एकदम सरल स्वभाव वाले, हमारे सरस्वती नंदन सूर्य चंद्र प्रकाश पांडे जी, एक बार उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि उनको ये मेला कैसा लगा और ये वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस, क्योंकि वीडियो आज पूरी उन्होंने ही रिकॉर्ड करी थी, मतलब कैमरामैन थे हमारे। तो एक बार चलिए एक बार उनसे जानते हैं आज की इस वीडियो के राय। तो ये है हमारे पांडे जी। हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हो? तो पांडे जी हमें ये बताइए सबसे पहले, आप बताइए आपको ये डिडिहाट महोत्सव कैसा लगा? यार आपके साथ तो डिडिहाट महोत्सव क्या, आप जहन्नुम में भी ले जाओगे वो भी अच्छा ही रहेगा। ये देख रहे मक्खन खाने तो पांडे जी माइट है, बस ऐसे ही हमको घुमाते रहिए, खिलाते रहिए, और क्या अच्छी जिंदगी है क्यों दोस्तों। और बाकी कैमरामैन बने आप इस वीडियो में, तो भीड़ बढ़ा के मैं कैमरामैन बनने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा रहता है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जो है आप वहाँ उतने अच्छे से बोले, उतनी अच्छी बातें करी आपने, वहाँ जोहार संस्कृति के बारे में कुछ जाना उनसे, वहाँ के उनका आहार की ग्रहण किया, जो जोहार स्वाद करके उन्हें स्टॉल लगाया था वहाँ, जो हम लोगों ने कुछ वहाँ का लोकल व्यंजन टेस्ट किए, अच्छे बना रखे सब, जो है शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन हमने शाकाहारी ट्राई किया। क्या दिखने से वैसा लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ है, दिखने से लग रहा था लेकिन वो था शाकाहारी, था शाकाहारी, अरबी से कुछ बनता है शायद वो उसका था। और तो जो है यह हर साल महोत्सव लगता है, इस बार थोड़ी रौनक कम है, मुझे लगा शायद कोविड या आज फर्स्ट डे है उस वजह से। पहले तो CM साहब के आने का प्लान भी हो रहा था यहाँ, चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे का प्लान हो रहा था, लेकिन अब अर्जेंट कुछ उनको कुछ कार्यक्रम आ गया तो जिस वजह से सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। तो मुझे लग रहा है शायद वो जॉर्ज भी मिले आएंगे तो हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे, ठीक है? जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ताकि जब हम जॉर्जी मेला जाएं तो उसकी वीडियो आप देख सकें। नीचे लाल बटन दबा दो फटाफट बिना देरी किए, लाइक भी करिएगा। हाँ तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय बाय बाय।